जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर सीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो IMF ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी कर दी है। तार साहब, IMF पाकिस्तान पे बड़ा मेहरबान हुआ हुआ है, शुक्रिया IMF। दूसरी तरफ से तार साहब, दो जजेस पाकिस्तान में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और रीजनल न्यूज़ में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट तार साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज़ हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। तार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया, बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया, जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, अपने हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती, क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है, लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुल्फाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसिस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, चार शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे, और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रॉस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि चार चार औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिसमें दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमरीका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं, आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके, फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी, खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस, बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही है, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है, बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को, उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे, 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली, और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1956 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन, और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस।
लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई अर्थ नहीं। मैंने इसके बारे में पूछा है कई उलमा से, कई जगह पढ़ने की कोशिश की है, मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं, मैं अगले दिन खुद इस्तंबुल गया था। इस्तंबुल उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फिर रहे थे। आया सोफिया उसके अंदर सारे गोरे फिर रहे थे। कुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है, खोते आते जिहाद शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द बाइकाट कर देता है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे? आप लमा फिक्री है इस वक्त, बहुत सख्त परेशानी। बल्कि इससे अगला जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, मेरी बड़ी आज उस पर, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है खुद चीमा साहब, और मेरा इंटरेस्ट होता है उसमें, और मेरे कुछ क्लासमेट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल इन पाकिस्तान, और कई हाई कोर्ट में मेरे क्लासमेट्स हैं, तो मैं इस वजह से मेरा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में, जब भी कोई जज खासकर रिजाइन देता है, बल्कि मैं दुख होता है मुझे पाकिस्तान के अदलिया के हालात देखकर। इस पे मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि काश आज काजी फैज ईसा साहब, जो हम बात करेंगे कि हमारे नकवी साहब के बाद आज दूसरे जो जस्टिस इजाज हैं उन्होंने रिजाइन किया, इस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज हैं जिन्होंने रिजाइन किया, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अब इस वक्त मंसूर अली शाह आगे आ चुके हैं सीनियरिटी की वजह से। अब उनका बैकग्राउंड बताना ये चाहता हूं कि काश काजी फैज ईसा साहब नकवी साहब के बारे में पब्लिक करते कि उनकी जाती प्रॉपर्टियां कितनी हैं, उनके बच्चे कितने वकील हैं, वो किस तरीके से इस जुडिशियल सिस्टम को चो रहे हैं, मिल कर रहे हैं। जिस तरह दूसरा मैं ये चाहूंगा कि एजाजुल आसन साहब के हवाले से भी चीजें पब्लिक करें कि क्या वजह है। मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको, मैंने काफी इसके बारे में डिटेल में, मैं जानता हूं जस्टिस एजाज साहब को, और मंसूर अली शाह साहब थोड़े से फासले पे हो गए हैं, लेकिन नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जस्टिस एजाज ने 4-5 वजूहात की वजह से रिजाइन किया। एक तो सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि काजी फैज ईसा साहब की स्टेटमेंट जो आई है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अदलिया को इस तरह जलीलो ख्वार करके आप इस्तीफा दे के अब आप रिटायरमेंट और पेंशन और उसके बाद वकालत एंजॉय नहीं कर सकेंगे, तो एजाज साहब डर गए। और दूसरी बात यह थी कि दो रेफरेंस उनके खिलाफ आ रहे थे, उनके खिलाफ फाइलें पहले ही मौजूद थी, उनके बारे में वकला तैयारियां कर रहे थे, और इन्हीं दिनों में उनके खिलाफ दो रेफरेंस आ रहे थे, और वो उनसे घबरा के, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे नौकर भी चाहिए, मैंने सारी जिंदगी के लिए बिजली फ्री लेनी है, और मैंने पता नहीं कितने लाख रुपए के हिसाब से मैंने अपनी पेंशन भी एंजॉय करनी है, और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी लॉ फर्म बनाऊंगा और मजे से बैठ गया जिंदगी। वो कहते हैं लिव हैप्पीली फॉरएवर, वो चाहते थे ये, लेकिन वो मैं काजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पता नहीं किसी ने सुनना है कि नहीं सुनना, मेरे जैसे बंदे की रिक्वेस्ट, इनके नाम ईसीएल में डाले जाए सबसे पहले, इनके बच्चों के नाम ईसीएल में डाले जाए। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, अगर आप पाकिस्तान की जुडिशरी को बचाना चाहते हैं तो जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी इनके फॉरेन अकाउंट्स, इनके बच्चों की नेशनैलिटियां, और इन ये किस तरह जज बने थे कौम को बताएंगे। अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं अगला टॉपिक, मैं एजाज साहब के बारे में बात करना चाह रहा हूं, ये कौन है, कौन है ये कॉन्स्टिट्यूशन वन जो बिल्डिंग बन रही थी इस्लामाबाद में, उस एक तो उनके वकील थे, फिर उसके बाद जब साकिब निसार के पीरियड में जब ये वकील थे, तो प्राचा साहब थे एक सीडीए के जो वकील थे, उन्होंने इतराज लगाया था कि ही वाज एक पार्टी के ये वकील थे, ये बेंच पे नहीं बैठ सकते, लेकिन बेंच में बैठते रहे। और वो तारीखी फैसला आज मैं कोट करना चाहूंगा जिसमें साकिब निसार साहब ने कहा था कि मुझे रात को ख्वाब आया है कि इतने पैसे कर जाना होना चाहिए, और ये वो मुल्क है दुनिया के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनी थी, जहां चीफ जस्टिस खुदा के बाद कहते हैं वह चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद उसकी सजा को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता,
उन्होंने आके अदालत में फरमाया था रात को मुझे ख्वाब में आया है कि इनको इतना जुर्माना होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वन वाले, जिसके अंदर हर बड़े आदमी, दुनिया के हर करप्ट आदमी का घर है उसके अंदर, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो ये उसके वकील थे एजाज। आज मैं आखिर में ये बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं उस जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जज बनते किस तरह। सिविल जज थर्ड क्लास, दर्जा सोम जिसको कहते हैं, ये नहीं कि ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं कि थर्ड क्लास सिविल जज, सिविल जज शुरू होता है तो दर्जा सोम से शुरू होता है। उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3-4 किस्म के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, आपको इम्तिहान देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर आप सिविल जज बनते हैं थर्ड क्लास। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, और ये भी हो सकता है कि आपकी डिग्री भी जाली हो फिर भी बन सकते हैं आप, सिर्फ आप अब रवाज के। नकवी साहब किस तरह जज बने थे ये भी बताना चाहिए ना, काजिम फैजी साहब को चाहिए कि ये फ्रंट अखबार जंग पे जियो पे आर्टिकल पूरा लिखा हो, पता चले इस कौन को, ये कौन थे लोग, किस तरह करप्ट रूलिंग एलीट जो है वो अपने अपने लोगों को जो है वो सीड करती है, किस तरह वो उनको प्लांट करती है, और किस तरीके से फिर भट्टी साहब इनके घर में बैठे हुए थे और वो परवेज लाई साहब की कॉल जो वीडियो जो लीक, बैकग्राउंड देखे, चेहरे देखे। और मुझे किसी ने बताया नकवी साहब के दो बच्चे वकील हैं, ये सेशन जजों को फोन करके कहते हैं चौधरी साहब थोड़ा भतीजा पेश हो रहा है रिलीफ देना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टैंड। मेरी आज ये ख्वाहिश होगी काजी फैजी साहब इन सब के बच्चों की प्रॉपर्टियां और नेशनैलिटियां डिक्लेयर करें कौन के सामने, अगर बचना चाहते हैं अगर आप, जो कि मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये आज अब ये देखें दो वारदात की मैं तो कहूंगा ना, जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन की, आजाद साहब या तो फेस करें। मैं यहां पे आज मेंशन ये करना चाहूंगा, काजी फैज ईसा साहब ने रिजाइन नहीं दिया था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान हर बंदा जुडिशियल काउंसिल अगलों ने जलीलो ख्वार किया था, उनकी बीवी चीखी थी आके अदालत के अंदर, वो रिजाइन देकर घर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका दामन साफ था, उसका दामन साफ। जब प्लाट और प्रॉपर्टियां बेनामी हो, जब बच्चों की नेशनैलिटियां बार की हो, जब बच्चों के अकाउंट बार में हो, फिर आप कहते हैं कि फौरन निकलो यार, इसको कहते हैं उर्दू में, इसको एक खास लफ्ज़ है, कहते हैं पतली गली से निकल गए, ये इस्तीफा दे के पतली गली से निकले, दोनों निकले हैं, पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के मुंह पे तमाच मार के निकले हैं। इन अदर वर्ड्स साहब, एक पॉइंट यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ, ख्वाजा आसफ ने आज कहा कि सियासतदानों का एहतसाब होता है, इनका एहतसाब नहीं होगा। और दूसरा तार साहब, वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के ऊपर केस है, उनको चाहिए नहीं उसको कंक्लूड करें, जो सजा बनती है दें, इस्तीफा हो गया तो इसका क्या मतलब है, उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। आप खुद जा रहे हैं, आप जा रहे हैं उसमें मैंने उस पर देखा है, 2 दिन वो पेश नहीं हुए और अब वो पेश हो भी नहीं सकते क्योंकि ही इज नो लॉन्गर अ जज और एनी पोजीशन, उनके वकील उसका जवाब दे रहे हैं। और काजी फैजी साहब ने कहा कि हम इस तरह जाने नहीं देंगे, मैंने इसीलिए अर्ज किया था इनके नाम ECL में डाले इनके और इनके बच्चों के, क्योंकि मुझे ये टोरंटो में नजर आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये भाग के फ्रॉडी है, अब टोरंटो की तरफ मुंह कर जाएंगे, ये जिस तरह ये जुडिशियल फ्रॉडी है, ये जुडिशियल फ्रॉडी है, तो इनका नाम फौरन ECL में डालना चाहिए, और बल्कि इनके ऊपर इनको नजर बंद करना चाहिए जब तक इनकी चीजें सामने नहीं आती, इनके घरों के ऊपर जो होता है इनको पहरे लगाने चाहिए, और ये और कौम को बताएं ये जज बनते किस तरह है, ये कौम का मैं समझता हूं हक है कि उनको बताया जाए कि ये किस तरीके से रूलिंग लीड अपने लोगों को प्लांट करती है, किस तरीके से जुडिशरी में, और फिर वो आग उनके मैं बोलना नहीं चाहता चीमा साहब, लाहौर हाईकोर्ट का आपको क्या नहीं पता, हाईएस्ट जज है उसके उसके पास उसके उसके दामाद उसकी फैमिली के पास 3 टिकटें PTI, आप पिशावर हाईकोर्ट देख लें उसके हालात देख लें, और इन बंदों के मुझे आज मैं बात कर रहा था किसी से तो उसने कहा कि ये दर हकीकत बाप पार्टी और कुछ लोग ये जो थे ये और देखा उसमें मुसलसल नकवी साहब मुसलसल हर बेंच का हिस्सा होते थे, साथ बैठते थे बंदयाल साहब के साथ, क्या इन्होंने ये दिस इज हाउ यू मैनेज अ कंट्री, दिस इज अ जुडिशियल सिस्टम, और ये जुडिशरी होती क्या है वो इसके बारे में, जब ऊपर जर्मन बम मार रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, अंधेरा हो गया था, इतने जहाज उड़ रहे थे, तो नीचे उसने चर्चिल ने कहा था अगर अदालतें इंसाफ करती रहेंगी तो हम वी विल सर्वाइव,
ਫਰੂਕ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ HSN ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਗਰੀ ਇਨਕੀ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। खौफ नहीं आता कि इतना पैसा लेके कहाँ जाना है, ये वो बच्चे भी तो याचिका ही करते हैं, तो पैसा किस लिए कमाते हैं जब मसा, मैंने इनकी इनकी मैंने इनकी आख इनकी आखरत भैया कड़ियों की देखी, इनके पोते दोते बच्चे इनके मुंह में मरते वक्त पानी भी नहीं डालते क्योंकि हराम की कमाई फीड करते हैं उनको। इनको पता नहीं है कि प्लाटों घरों के साथ इनकी एज होती है, घर की एज होती है, जब घर बनाया जाता है अमेरिका जहां मैं बैठा हूँ 30 साल के लिए फाइनेंस होता है कि उसकी एज ही 30 साल है, गाड़ी फाइनेंस की जाती है क्योंकि उसकी एज ही 5 साल होती है, गाड़ी 5 साल के लिए फाइनेंस होती है। इन जायलों को जो जिनके पास सबकी डिग्रियां बाहर की हैं, इन फ्राडियों को यही नहीं पता, और जिनको हराम देते हो बाद में मुंह में पानी भी नहीं डालते हो, तो नर्सिंग इधर उधर करके दब दुब छड़ दिया, और कोविड के बाद भी अगर इनको हया नहीं है तो ये किसी पत्थर के बने हुए लोग हैं चीमा साहब, ये कोई नॉर्मल इंसान है, जालम लोग हैं, जालम है ये, जालम लोग, इनका इनका इलाज जो है कोई मर्द मोमन कर सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, कोई बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स, स्ट्रॉन्ग नर्व्स, वो जो बंदा इस वक्त प्लेट ताली पर रख के आया अपने आप को और वो कह के मैं आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी, नाउ से पाकिस्तान, मुझे इस पे मुझे दो लोगों पे मैंने हमेशा कहता रहा, अभी मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे हाफिज साहब पे अपना आसिम मुनीर पे उम्मीद है, थी, आज भी उम्मीद काजी फैजल साहब पर भी है उनके, बल्कि मैं कल बयान से बड़ा खुश हुआ था जो उन्होंने कहा था कि ये जुडिशरी को तबाह करके जाने वालों को इस तरह नहीं छोड़ेंगे, मैं बड़ा खुश हुआ इस बात, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन लोगों का, क्योंकि देखिए जब आप जुरिसप्रूडेंस पढ़ते हैं तो सजा के बारे में बताया जाता है कि सजा इतनी सख्त होनी चाहिए ताकि दुनिया सोसाइटी के दूसरे लोग इसी तरह का काम करने से इज्तिनाब करें, इनकी सजा दोनों की इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई जज फ्यूचर में इस तरह की हरकतें ना कर सके, अपने बच्चों के लिए सेशन जजों को कॉल ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन वन वालों को ये ना आके फैसला कर सके कि मैनू राती ख्वाब आई है इन्हें बिलियन डॉलर नोट जुर्माना कर, इसका मुहासबा होना चाहिए, इत्तेसाब होना चाहिए, लेकिन वो इत्तेसाब वही कर सकता है जिसका खुद अपना दामन साफ, जो खुद गंदे होते हैं वो किसी को इत्तेसाब क्या करेंगे, जिनको खुद पता ही नहीं है लेगेसी क्या होती है। मैं सबसे बड़ा डिफरेंस चीमा साहब आपको, आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लेगेसी चीज क्या होती है, आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने, भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक होता है, दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया, आप लोगों को इस चीजों का पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं किसी, फरूख बंदयाल साहब को आज लोग किस चीज से याद कर रहे हैं, सोचें 10 मिनट के लिए बैठते हैं, फरूख बंदयाल साहब खुद बता देंगे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी सास के बारे में क्या कह रहे हैं, और मुझे आज खुद बता दें, आज बाजवा साहब एज ह्यूज पर्सनैलिटी, आज लोग उनको किस बात से याद कर रहे हैं, ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, पेरिस में भी लोग पठान भाई जरा अफगानी जो भी गाड़ा पकड़ देता हूं, ये लेगेसी, भाग कर कहां जाओगे, लोग तो हर जगह मौजूद है, एंटार्क्टिका चले जाओ, उत्थे शायद उत्थे भी होंगे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नहीं होगा बंदे, उत्थे भी गूगल कर लेंगे आपके नाम के, अगर ये चीज, लेकिन कोई शौक ही नहीं किसी को यार कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं, लेगेसी बात कर रहे हैं, कल देखे ना गुजरात के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी उस समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं, कल वो MBZ को बुलाया था, मोजम्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वजीर आजम को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रीब्यूट, एक डॉक्टर साहब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है, गुजरात कहते हैं जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, फलां स्टेट कहती है, ये हमारी स्टेट्स के अंदर सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं, ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते कि भाई जी सख्त शर्मिंदा अगले दिन हुआ, हसीना वाजिद ने स्पीच अपनी दी, हसीना वाजिद को दूध की धुली हुई वो भी नहीं है, 5वीं टर्म है उसकी, और फेक इलेक्शन, मैं कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं उस इलेक्शन फेक कराएं, लेकिन उसकी स्पीच सुनी मैं हैरान हो गया, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी, और अगली जनरेशन को उसने कहा हमने तैयार करना है मुस्तकबिल में आगे जाने के लिए, हमारे किसी लीडर के मुंह से ये बात निकली स्मार्ट गवर्नमेंट स्मार्ट सोसाइटी, ये पाए खान वाली वहां पे स्मार्ट कितने होना है, स्मार्ट लौट पाए सर, कैरियर लगे से आते हैं अपने मालिकों के कदमों से, बरतानिया से कैरियर लगे के साथ आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं, पता नहीं क्या
आप आजाद जहनी तौर पर गुलाम है। और मैं बार बार ये सोचता हूं कि इस इलाके का डीएनए में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कल बड़ी कोशिश की कि लोकल कोई अगले, मैं मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोकल लीडर ढूंढो। मुझे अहमद खान खरल नजर आया, दुल्ला भट्टी नजर आया, उसके बाद सब खत्म है, कुछ भी नजर। मुगल इन्वेडर थे भाई, मुगला लुट पाइस के थे आके, पठान सन, तुर्कस्तान, अफगानी सन, तुहाडे रिश्तेदार ने सन। इतने शाह फैसल आया हो वे मुल्क का ना फैसल रख छो, ना शहर का फैसलाबाद रख छड़े, क्योंकि शाह फैसल उतो लंघे एक बार को पतन अपना अपनी शनाख्त ही भूल चुका, आपको पता ही नहीं कि वो यार। देखिए चीमा साहब, दो चीजें, खुदा तला की जात ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बनाया है दुनिया में, काले काले हैं, चाइनीज आंखें उनकी छोटा और तरह की, इसी तरह उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं डिफरेंट। हम जब तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। हमें देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जिहाद नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोशिश करें, देखें आप किस चीज में महारत आप कर सकते हैं। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए आप आज आप भारत के अंदर जाएं, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। दे फाउंड आउट कि हाउ वी गोना एक्सेलरेट, वो एक्सेल कर गए उसमें। आप अभी तक वो आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप अरबों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप पठानों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता। आपको आज तक यही नहीं पता सिद्धार्थी निजाम रखना है कि पार्लियामेंट्री निजाम रखना है। आपको अभी तक यही नहीं पता कायदे आजम सेकुलर स्टेट बना के गया या मजहबी स्टेट बना के गया। आपको आज तक यही चीजें आइडेंटिफाई नहीं। आपको ये नहीं पता आप हैं कौन, आप किस फील्ड में, किसी ने आज तक बात की है कि हम इस फ्लॉप प्रोडक्ट को यहां से उठा के वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे स्वाय फुटबॉलों के? अब वो भी नहीं जा रहे आपके सियालकोट। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है, ये भी नहीं सोचा कोई सब्सिडी दे अटैच करें एक्सपोर्ट के साथ कि हाँ भी इतने डॉलर की, इतने डॉलर की अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम बिजली की सब्सिडी ये देंगे। पॉसिबल है, क्योंकि हर सेक्रेटरी तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से निकल ही नहीं रहा। बल्कि आज मैं खबर आप अगली बताना ये चाह रहा था कि दुबई और टोरंटो के अंदर उन्होंने वहां पे दो कॉलोनियां नहीं बना रहे हैं करप्ट ब्यूरोक्रेटों के लिए और करप्ट पॉलिटिक जो जितने लूटमार करने वाले हैं उनके लिए दो कॉलोनियां एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जब से आईएमएफ की किस्त की उनको उम्मीद लगी। दरअसल वो एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए होती है कि बाहर के कोई और मुल्क भी होते हैं? सिर्फ पाकिस्तानियों और सबसे ज्यादा आईएमएफ के साथ अटैच है वो। आज मीटिंग, कल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी में, उनको पता, जिस दिन उनको पता चल जाता है आईएमएफ किस पाकिस्तान जाने लगे, तीन जगहों के अंदर प्रॉपर्टी में शुरू हो जाती है, लंदन, दुबई और टोरंटो, फॉरन प्रॉपर्टी में शुरू हो जाती है। और लेकिन और मैंने अगले दिन किसी को कहा था, आज तक किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह रिट लगाई हो कि पिछले आईएमएफ की किस्त आई हो किधर गई, किसी ने आज तक पूछने की कोशिश की हो, किसी ने बताने की कोशिश की हो, इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब के पैसा कहां से आ रहा है, जा किधर है? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में सुना जाता है कि पिछली दफा इमरान खान अपने आईएमएफ के पैसे जो है और ये अपने जाती दफा एमएनएस को दे गया था तरक्याती फंड के चक्कर में ताकि इलेक्शन आगे से लड़ा जा सके। फिर शहबाज शरीफ साहब बांटते रहे पैसे अपने लोगों के अंदर, अपने एमएनएस और दूसरों के आईएमएफ का पैसा बांटते रहे। और मैं बल्कि मैंने आपको कहा था कि मेरे अपनी जिंदगी के प्लान में ये प्लान शामिल है कि आईएमएफ को कोर्ट में लेके जाऊं, अमेरिकन कोर्ट में, कि तुम्हें पता था कि ये फ्रॉडी कौम है, ये फ्रॉड करते हैं, तुम मेरा एज एन अमेरिकन मेरा टैक्स पेयर का पैसा क्यों देते रहे? मैंने पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करना, मैंने अपने एज एन अमेरिकन मैन को लेकर जाऊं कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जाके करप्ट कॉम को क्यों देते रहे, जो जिनके बच्चे सारे टोरंटो बैठे हैं, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, यहां बैठे हैं, ये क्यों करते रहे अभी तुम? बल्कि हम तो आईएमएफ नहीं, हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे तार साहब। उन्हें आपका डिफॉल्ट तो आपके मुकदरों में लिखा, कौन सा मुल्क चला है चीमा साहब जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो? तो कितना अरसा चल लेंगे आप ये सूद भी कर्जा लेकर आप दे रहे हैं अपने लोन्स का? और तरक्की की तरफ आपने बिल्कुल बायकॉट कर दिया, तरक्की की तरफ जाना नहीं, ना आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे आपके, ना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है कि कुछ चीज एक्सपोर्ट ही नहीं की जा सकती, रिप्यूट इतनी खराब है आज जो आप, मैं जिस तरह देख रहा हूँ आपके पासपोर्ट के हालात देख रहे हैं, आप पासपोर्ट आगे करें तो वो थप्पड़ दो मुंह पे मार दें, किसी एयरपोर्ट पे जाए आप कहते रखोगे पासपोर्ट दो चंडा मार दो, इतनी लेना है फराडियां, प्यो की फोटो है, तेरी फोटो है, पीसी की थी, टीसी की थी, एक क्वेश्चन होते
मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे ऊपर लिखा है बर्थ प्लेस पाकिस्तान, जो मेरे साथ करते हैं वो आप सोच नहीं सकते, सन 96 से कर रहे हैं, मैं 1996 से अमेरिकन सिटीजन, देखते हैं पाकिस्तान, कहते हैं तेरा तो पासपोर्ट ही, तो फ्रॉड है, ये तो लाते ही चीमा साहब, पता नहीं मेरा मकसद है कि अब फिर पूछा जाए तो अंदर इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो चीमा साहब ये इस पे, चीमा साहब मैंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जो हालात हैं इनके, लेकिन ये पता है कौन, पता है कौन को, लेकिन सर ये तो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं ये सब, अलायंस अलायंस। चीमा साहब करप्शन एक बंदा नहीं कर सकता जब तक अलायंस ना, करप्शन करने के लिए ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जज, जर्नल, सब तक जब तक चीमा साहब, मैंने आपको कहा तो था मैंने एक, कि अगर किसी को शक हो कि पाकिस्तान को किस तरह लूटा जाता है, तो जो पिछला कोर कमांडर था पीटीआई का लाहौर में, जिसने कहा था इनको अंदर आने दो अपने लोग हैं, उसका पोर्टफोलियो पड़ा जाता था चट्ठा साहब, उनके रिश्तेदार सारे जुडिशरी में भी थे, उनके बंदियाल साहब का रिश्तेदार था कोर कमांडर लाहौर, और दूसरा वो रिश्तेदार, एक उसका रिश्तेदार जो था एलडीए का रह चुका था, तो देखें जरा किस तरीके से ये शादियां कर लेते हैं लूटने के लिए पाकिस्तान, शादियां कर दे, पड़ूजे बन जाते हैं, साले बन जाते, देखो देखो पस्ती की इंतहा देखें जरा चीमा साहब, कि पड़ूजे साले इकट्ठे होकर लुट रहे, और लुट के नू रहे ने मादरे मिलत अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे, देखने वाली बात ये, जो लम्हा फिक्रिया और शर्मिंदगी है, जो शेमलेस एटीट्यूड है कि अपनी मां के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे, और शर्म शर्म नहीं है, वो दंड काट रहे, दंड काट। चलो चीमा साहब कितना अरसा करेंगे, दुनिया देख रही है, दुनिया बड़े बड़े क्लोजली वॉच हो रहे हैं पाकिस्तान, ये मुगालता है आपको, आपने हमेशा ये समझा है पाकिस्तानियों ने कि हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, देखो जी असीरा बेवकूफ बना रहे हैं, कटे चो रहे हैं, ये नहीं पता इनको कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर मेकिंग मूवीज ऑफ यू एट द सेम टाइम, खासकर आपके पड़ोसी आपको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट आर यू, हाउ फार कैन यू गो, बिल्कुल सारा नजर आ रहा है इस वक्त। दर हकीकत आपका कसूर नहीं, आपको ब्रीदिंग रूम इसलिए मिल चुका है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, आपको ये इसमें ब्रीदिंग रूम मिला है, और दूसरा ब्रीदिंग रूम आज ईरानियों ने जहाज पकड़ लिया है अमेरिका का, तार साहब तेल प्रदार जहाज नहीं, चीमा साहब हमारे हालात ये है, हमारा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टन लॉयड, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है 3-4 दिन से डिस्कस हो रहा है कि वो अस्पताल में पड़ा है, उसको कॉलन कैंसर है, उसका हॉस्पिटल में पड़ा, किसी को पता ही नहीं, प्रेसिडेंट को भी नहीं पता, प्रेसिडेंट तो होशी को नहीं ना, somebody else is, now matter of fact हमारे कांग्रेसमैन खुल के आगे सामने बोल रहे हैं टीवी के ऊपर कि somebody else is running the government, is not Joe Biden, तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और people are asking for his resignation, the secretary of defense, जो 3 हफ्तों से आईसीयू में पड़ा है और कौन को पता ही नहीं, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को नहीं पता कि वो किधर है, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जब रेड सी के अंदर आप हालते जंग में है, जब एक दुनिया की बहुत बड़ी जंग को जब आप असला भी दे रहे हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, इन हालात में आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बल्कि किसी ने अगले दिन मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोर्टफोलियो ये होता है कि जब उनके अमेरिका के ऊपर अगर एटॉमिक अटैक हो तो वो अपने एटॉमिक एसेट्स को यूज करने के लिए वो समरी या अपने सारे कोर शोर लेके वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और पिछले दिनों रशिया ने अपने एटॉमिक एसेट जो है वो कहीं और शिफ्ट किए हैं, इनको पता ही नहीं, वो क्योंकि सेक्रेटरी बड़ा काला अपना ऑस्टन लॉयड, 3 हफ्ते हो गए ना सत्ता चुके, और इसका इसी चीज के फायदे आप उठा, आप भी उठा रहे हैं फायदे, दुनिया भी उठा रही है फायदे, वरना रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता तो ये सारी चीजें ना आपने ये करनी थी और ना दुनिया ने करनी थी, ना आज ये जंग हो रही होनी थी और ना इस तरह होती होने कर रहा होना था, तो ना ही इस तरह आपने फायदे उठा के तो आपने कोशिश करनी थी बेवकूफ बनाने की, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, आएंगे कभी ना, सूनर और लेटर दे विल बी सम रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हाइट हाउस जो पूछेगी आपसे भी, बल्कि कि आपने भी अफगानिस्तान में हमारे साथ क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क है, अमेरिकन कौम ये भी जानना चाहती है, बिलखसूस मैंने वो सेव करके रखा है आर्टिकल, बिल जो पेश किया था 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने जब तालिबान जब सरेंडर किया था अमेरिका ने कि वट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान इन इट, और वो जो 22 रिपब्लिकन थे अब वो स्टिल हियर, वो तो कौम ये जानना चाहती है कि हमारे साथ क्या हुआ था और हमें किस तरीके से जलील और ख्वार होकर वहां से निकलना पड़ा, हु हैज पार्टिसिपेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड इनटू द प्रोसेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, हमने तो बड़ी इनको मशवरे दिए थे, हमारे मशवरे उन्होंने सुने नहीं है, तो बहरहाल ये भी असान तो मशवरा देता सी रह जाओ, तो अपनी भी इज्जत रखो, तो साड़ी वैसे वो उनका है प्रोग्राम, वापस आने का प्रोग्राम वो सोच रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप दर हकीकत मशवरा देते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है,
मदद भी अब तब करते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है, इन्हें भी पता चल गया, इन्हें भी पता। नहीं, वो तो आपकी बात सही आप, है। अगर हकीकत आप पे, आपका मैं क्लोजिंग इसी पर करना चाहूंगा कि मेजोरिटी आपके सारे जो है वो पंजाबी पाई जाने, आपका नेशनल फ्लैग आपका ना कौमी तराने के नीचे एक एड थोड़ा सा कर लें, मेनू नोट मखा मेरा मूड बने। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी, मेनू नोट बखा मेरा मूड बने, चाइना ने नोट बखा दे तो मूड उधर चला जाता है, अमेरिका मूड नोट बखा दे तो आपका मूड उधर, क्योंकि आप तो डॉलरों के पीछे है ना जी, आप आपकी तो माशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं, आपके तो बहुत कुछ है, आपने दुबई सारा खरीद लिया, दूसरे नंबर पे तो आप प्रॉपर्टी वहां खरीदते हैं रशियंस के बाद, इंडियन से भी ऊपर है, तीसरे नंबर पे तो अफगानी है आप, लेकिन एक वो भी बहुत करप्ट है, लेकिन आप तो खैर माशाल्लाह करप्शन में नंबर वन है आप। तर सब सही कह रहे हैं, हमारी कोई हिस्ट्री जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साजिदार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, बड़ा।